उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें, और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं 13, उन 13 बच्चों में शंकर जी की पांचों लड़कियों का नाम लें। जया, जम के बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दऊतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5ों लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए, तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करें, फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाएं। 3 दिन लगातार कर कर देखिए शुगर लेवल में आ जाइए। अभी तो कथा चल रही है, या तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो 4 दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए, पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली जम के बोलो जरा जया, दूसरी विषहरा, तीसरी श्यामली बारी, चौथी दौतली और 5वीं देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। शिव जी की ये 5 लड़कियां औषधि प्रदान करती, साधारण नहीं है। मेरा शिव औषधि, भोलेनाथ से निराला यहां कोई नहीं, कोई नहीं रे यहां कोई नहीं, कोई नहीं।